एंड में लूंगी, अभी अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मैं अभी वापस से लूंगी. बेटा कल हमने ना वो सारा जो बेसिक था वो सारा हमने क्या कर लिया था, निपटा लिया था. आज हम बेसिकली ना एनिमल किंगडम की जो भी फाइलम है ना उनको स्टार्ट करने जा रहे हैं. किसको बेटा? फाइलम को स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो टोटल कितने फाइलम है कोई मुझे बताएगा? एनिमल 11. तो बच्चा पार्टी अगर 11 फाइलम है उसमें ना सारे जो फाइलम है कोई मुझे उनके नाम बता सकता है सीक्वेंस में? किसी को कुछ भी आइडिया हो फाइलम के कौन कौन से नाम है? एनीवन? नो वन? चलो कोई बात नहीं. देखो बच्चे कितने फाइलम है टोटल, 11 फाइलम है. जिसमें से अपन फाइलम के नाम तो क्या पढ़े, सीधा सीधा फाइलम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला जो फाइलम है जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे उसका नाम किसी को पता है क्या है? क्या? फाइलम पॉरी फेरा. सबको क्लियरली विजिबल और ऑडिबल है ना? स्क्रीन विजिबल नहीं है? अभी विजिबल है. देखो तो अपन 11 टोटल फाइलम है, ठीक है? और अपन इसमें से सबसे पहले जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो है फाइलम पॉरीफेरा. तो बेटा मैं क्या करूंगी, सबके एक एक कैरेक्टर से लिख रही हूँ कि इसका होता है. जैसे अगर अगर इसका हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो वो कैसा है, रेस्पिरेटरी की बात करें तो वो कैसा है. सबको ब्रेक हो रही है? यस मैम. सब पढ़ेंगे. हाँ वेरी गुड, ठीक है. सबसे पहला है फाइलम पॉरीफेरा. तो ना इसके कैरेक्टरिस्टिक से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला पॉरीफेरा का ना बच्चा मतलब जान देते हैं. देखो पॉरीफेरा यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ना पॉरी, इसका मतलब होता है पोर. क्या होता है बेटा? पोर. और फेरी मतलब क्या होता है? बियर. तो कोई भी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके ऊपर क्या प्रेजेंट है बेटा? पोर्स प्रेजेंट है. पोर आप समझ गए, छेद छेद जैसे जो स्ट्रक्चर होता है उनकी बॉडी पे टोटली छेद 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 प्रेजेंट है. तो वो छेद क्या प्रेजेंट है, उनकी क्या हेल्प करता है और उनकी क्या स्ट्रक्चर है उसको हम बोलेंगे. तो सबसे पहले हम इनको ना पॉरीफेरा को एक चीज और बोलते हैं. इनका दूसरा नाम जो है वो है क्या बेटा? स्पॉन्जेस. क्या? स्पॉन्जेस. ये ना ऐसे ऐसे होते हैं. इनको जैसे वो जैसे बाथ स्पॉन्ज होता है ना, आपका बाथ स्पॉन्ज होता है, उसकी तरह ये स्पॉन्ज जैसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? तो आप क्या बोलोगे, हम क्या करने वाले हैं बच्चा पार्टी? इनका ना स्टडी करने वाले हैं. स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस इज नोन एज क्या बोलते हैं? पैरा. क्योंकि पॉरी है ये तो पैरा जूलॉजी. क्या बोलते हैं? पैरा जूलॉजी. इज दैट क्लियर? ठीक है. अब ना बेटा हम इनके जर्नल जो कैरेक्टरिस्टिक है वो देखना स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. तो अगर हम सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक इनका देखें, एनीवन कोई मुझे बता सकता है कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करेंगे? यहाँ पे मैं लिखती हूँ फर्स्ट हम बात करते हैं किसकी? हैबिटेट के बारे में. ठीक है, किसके बारे में? हैबिटेट. किसी को पेन मोटा पतला तो नहीं लग रहा है? ये वाला साइज सही है ना? ठीक है. तो सारे ये क्या होता है बेटा? एक्वेटिक होते हैं, यानी कि पानी में रहते हैं. जिसके अंदर भी जो मोस्टली होते हैं ना पानी में रहने वाले, देखो पानी में तो कहीं भी रह सकते हैं, तालाब में रह सकते हैं, छोटी सी नदी में मिल सकते हैं, छोटे से कहीं भी पॉन्ड में मिल सकते हैं, पर मोस्टली ये कौन से होते हैं बेटा? मरीन होते हैं. यानी किस में मिलते हैं? ये सी के अंदर मिलते हैं मोस्टली. इज दैट क्लियर? यस मैम. मरीन में भी ये होते हैं मेनली फ्रेश वाटर. कैसे? फ्रेश वाटर.
इज दैट क्लियर? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? साथ ही साथ ये होते हैं बेटा ससाइल। ससाइल मतलब ये जो भी कोई भी नीचे जमीन पड़ी होती है ना उससे ये चिपके रहते हैं, तो ये होते हैं इमोटाइल। क्या होते हैं? इमोटाइल। लेट से ये कोई सबस्ट्रेटम है, जमीन है ना, तो ये अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो ये सीधा ना इसी से चिपका रहता है, ये कभी भी हिलता नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज इमोटाइल। ससाइल का मतलब है कि वो चलता नहीं है, ठीक है? यस मैम। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो हम करते हैं इनके बॉडी फॉर्म के बारे में। किसके बारे में? बॉडी फॉर्म कैसा है इनका, ठीक है? मैंने आपको क्या बताया, इनका बॉडी फॉर्म बताओ कैसा आपको दिख रहा है, आपको क्या लगता है इनकी बॉडी पे क्या प्रेजेंट है? बहुत सारे पोर्स। वेरी गुड। तो इनका बॉडी फॉर्म्स है पोर्स बियरिंग। कैसा है? पोर्स बियरिंग। इनकी बॉडी पे हर जगह में छेद ही छेद प्रेजेंट है, इज दैट क्लियर? अब आप ऐसे तो नहीं बोलोगे एग्जामिनर को जाके कि इनकी बॉडी पे छेद प्रेजेंट है। हम इनकी बॉडी पे जो छेद प्रेजेंट होता है ना बच्चा पार्टी, उसको हम बोलते हैं ऑस्टिया। क्या बोलते हैं? ऑस्टिया, ठीक है? अब ये बच्चा ऑस्टिया क्या करता है, कोई मुझे बताएगा? कोई मुझे बताएगा? वाटर का इंट्रो। पढ़ के बैठे होगे सारे के सारे। तो मैं अभी आपको ना ऑस्टिया का फंक्शन समझाऊंगी, वो क्या करता है क्या नहीं करता है, ठीक है? ये हमारे मतलब जैसे देखो अपने बॉडी में क्या है, माउथ प्रेजेंट है, एनस प्रेजेंट है, इनकी बॉडी में ऐसा कुछ प्रेजेंट नहीं होता। इनकी बॉडी के अंदर अगर कुछ जाता है बाहर आता है उसके लिए, अंदर जाने के लिए तो कौन प्रेजेंट है? इनकी बॉडी में अगर एंट्री करवानी है मेरे को किसी भी चीज की, वाटर की या किसी की, तो वो होती है ऑस्टिया के थ्रू, इन जो छेद है उसके थ्रू। इज दैट क्लियर? अगर मैं आप लोगों को एक सेकेंड इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बताऊं, किसी को एनी आइडिया कि इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता होगा? No, नहीं। चलो मैं ना यहाँ पे आपको दिखाती हूँ ये एक वाला स्ट्रक्चर। डायग्राम दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. देखो ये बेटा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ स्पॉन्ज। अभी अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं? स्पॉन्ज के बारे में पढ़ रहे हैं। और इसके अंदर मैं आपको ये जो दिखा रही हूँ ना, ये क्या है? वॉटर केनाल सिस्टम है इनका। क्या है? वॉटर केनाल सिस्टम। लेट से मैम आप क्या वॉटर केनाल सिस्टम की बात कर रही हो, तो देखो बेटा अगर इनकी बॉडी में मैंने क्या बोला आपको, बहुत सारे छेद प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? छेद। तो ये आपको दिख रहा है, अगर यहाँ पे कोई छेद प्रेजेंट है, ये वाली जो जगह है इसको हम बोलते हैं क्या, बोलो? ये यहां से ये छेद है, ये छेद है, इसको हम बोलते हैं ऑस्टिया। क्या बोलते हैं बेटा? ऑस्टिया। जैसे ये बॉडी है ना इनकी, तो ये वाला छेद प्रेजेंट है, ये छेद प्रेजेंट है, ये भी छेद प्रेजेंट है, ये भी छेद है, ये भी छेद है, ये। तो इस छेद के थ्रू क्या आप देख पा रहे हो, इनके अंदर वो जा रहा है पानी इस छेद के थ्रू। तो इनकी ये जो बॉडी है ना, इसके अंदर इनके अंदर जाता है क्या बेटा? पानी। इज दैट क्लियर? ये वॉटर केनाल सिस्टम है। पहले ये देखो कहाँ पे, पहले कहाँ पे आया? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के बाद क्या आपको ये दिख रहा है, इनकी जो कैविटी है, ये जो कैविटी दिख रही है ना, इस कैविटी को हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील। क्या बोलते हैं बेटा? कैविटी को हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील। तो क्या ऑस्ट्रिया के बाद हमारे पानी गया स्पॉन्जोसील में? गया कि नहीं गया? Yes, ma'am. अब उसके बाद आपको कहां से किसके थ्रू बाहर जाता हुआ दिख रहा है? ये एक ओपनिंग आपको ये बड़ी सी दिख रही है, इस ओपनिंग को बोलते हैं ऑस्क्यूलम। क्या बोलते हैं? ऑस्क्यूलम। पहले ऑस्ट्रिया के थ्रू ये एंटर किया, फिर स्पॉन्जोसील में आया, फिर ऑस्क्यूलम के थ्रू पानी बाहर निकल गया। ये है इनका वॉटर केनाल सिस्टम। Is that clear to everyone? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? No, ठीक है। और मैम जो आपने दिखा रखे हैं डायग्राम शो करा रहे हो साइट्स वगैरह, इनका क्या बेटा? मैम जी मतलब इसमें शो साइट। बेटा आप बिल्कुल भी ऑडिबल नहीं हो, आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप मेरे को मैसेज डालो, बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा है आपका।
अटेंडेंस के वक्त मैं एग्जिट हो गई थी नेटवर्क इशू की वजह से। अच्छा तो अटेंडेंस मेरा... अभी नहीं ले रही हूँ, सुनो अटेंडेंस नहीं ले रही हूँ, सुन पहली बात, जब मैं पढ़ाऊँ तब आप अटेंडेंस भूल जाओ, मेरे को सबका पता है अटेंडेंस किसका मार्क करना है किसका नहीं, मैं एंड में लूंगी सबका अटेंडेंस, ठीक है, पढ़ाई के बीच में सिर्फ पढ़ाई की बात, क्योंकि फिर वो रिदम टूट जाता है तो फिर है ना वो क्या होता है वो समझ नहीं आ पाता है बच्चों को, ठीक है। अब सुनते जाओ मेरी बात, देखो यहाँ तक सबको क्लियर है ना, पहले ये बताओ। तो अब हम क्या करते हैं, देखो ये जो हम क्या कर रहे हैं वाटर कैनाल सिस्टम की बात, यार इनके अंदर वाटर कैसे जाता है वो अभी बताएंगे, प्रार्थना वो मैं अभी बताऊंगी। देखो वाटर कैनाल सिस्टम में क्या हो रहा है, कैसे अरेंजमेंट है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। इज दैट क्लियर बच्चा पार्टी? देखो तो वाटर कैनाल सिस्टम है ना बेटा, इसके अंदर आप ये कुछ अरेंजमेंट देख रहे हो, ये अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले इनकी जो बॉडी है इसमें इसके अंदर, अभी हमने ये जो टॉपिक स्टार्ट किया था कहां से स्टार्ट किया था, यहाँ पे लिख लो पहले बॉडी वॉल, क्या कर लो बॉडी वॉल, यानी कि इनकी जो बॉडी है वो किस किस से मिलके बनी है। एक स्ट्रक्चर तो जो है हमें दिख गया ऑस्टिया, एक हमें दिख गया स्पॉन्जोसील और एक हमें दिख गया ऑस्कम, ठीक है। ये तो वाटर कैसे एंटर हो रहा है और कैसे रिलीज हो रहा है ये उसका काम है, पर बाकी के आपको कुछ कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, ये दिख रहा है इनका क्या रोल है, ये कैसे परफॉर्म करते हैं फंक्शन, वो अभी हमें जानना है, ठीक है। स्टार्ट करें फिर, बॉडी वॉल है ना बेटा, इनका जो बॉडी वॉल है जैसे कि कल मैंने आपको बताया था तीन लेयर्स प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है, याद आ रहा है आपको। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आउटर लेयर जो होती है बच्चा पार्टी, आउटर लेयर उसको हम क्या बोलते हैं, कोई मुझे बताएगा उसको हम क्या बोलते हैं, इसको यहाँ पे एक्टोडर्म नहीं बोलते हम, इसको बोलते हैं यहाँ पे पिनेकोडर्म, क्या बोलते हैं बेटा पिनेकोडर्म, इज दैट क्लियर। फिर हमारे एक बीच में छोड़ो वो मैं बाद में बताऊंगी, फिर एक सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, सबसे अंदर वाली लेयर, उसको हम क्या बोलते हैं बताओ, कोई बता सकता है, कोइनोडर्म, क्या बोलते हैं कोइनोडर्म, ये दो नाम समझ लो, सबसे बाहर वाली जो लेयर है इसको हम बोल रहे हैं क्या पिनेकोडर्म, और सबसे अंदर वाली जो लेयर है उसको हम बोल रहे हैं कोइनोडर्म, ठीक है बच्चा पार्टी। अब इसके बीच में ना एक फालतू सी, जैसे मैंने आपको बताया था जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर मिडिल लेयर प्रेजेंट नहीं होती क्योंकि वो तो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तो उसके अंदर एक फ्लूइड कैविटी प्रेजेंट होती है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसके अंदर मेसोडर्म प्रेजेंट नहीं होता है, याद आ रहा है आपको? Yes, ma'am. तो इसको हम यहाँ पे बोलते हैं बीच में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है मेसोहाइल, क्या बोलते हैं मेसोहाइल, इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. अपना ये जो स्ट्रक्चर है जैसे पिनेकोडर्म में कुछ कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, देखो सबसे ये आउटर लेयर आपको नजर आ रही है ये वाली, तो यहाँ पे भी कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, मिडिल में भी कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और अंदर वाली लेयर में भी कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, तो वो हम देखते हैं कौन सी लेयर में कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? सबसे पहले हम देखते हैं पिनेकोडर्म, पिनेकोडर्म आउटर लेयर, तो क्या आपको यहाँ पे ऐसे कोई स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, कुछ कुछ एक बाहर एक ऐसे स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं आपको, यहाँ यहाँ यहाँ, इसको हम बोलते हैं पिनेकोसाइट, क्या बोलते हैं पिनेकोसाइट, पिनेकोडर्म तो क्या प्रेजेंट होगी पिनेकोसाइट, इज दैट क्लियर। ये कुछ ऐसा करके स्ट्रक्चर होता है, इसका आपको क्या फंक्शन वगैरह जानने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कि क्या करता है क्या नहीं करता, बस आपको स्ट्रक्चर याद करना है, ये ऑलरेडी मैं बहुत डिटेलिंग में जा रही हूँ, ठीक है, मैं ऑलरेडी बहुत डिटेलिंग में जा रही हूँ, एनसीईआरटी से इतना सा दे रखा है, ठीक है। हाँ बोलो, किसी को कोई कंफ्यूजन था? अब सबसे इनर वाली लेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इनर वाली लेयर को हम क्या बोल रहे हैं बेटा कोइनोडर्म, क्या बोल रहे हैं कोइनोडर्म, तो यहाँ पे क्या चीज प्रेजेंट होगी, ये सबसे इनर लेयर है, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, कोई मुझे बताएगा, और वो स्ट्रक्चर ये आपको दिख रहा है, ये ऐसे करके, ये जो ऐसे करके आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये ऐसे करके अंदर की तरफ,
इसको हम बोलते हैं बेटा कॉइनोसाइट। क्या बोलते हैं? कॉइनोसाइट। कॉइनोसाइट का दूसरा नाम है कॉलर सेल। क्या नाम है बेटा? कॉलर सेल। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यहाँ पे ना आपको जो कॉइनोसाइट है इसका फंक्शन याद करना थोड़ा सा जरूरी है। ठीक है बच्चा पार्टी? कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा क्यों? हेलो, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस यस मैम। आप लोगों को मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है? यस मैम। Yes, किसी को मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? क्या किसी को मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? नो मैम। यस मैम, हो रही है। हो रही है या बच्चा? मेरा तरफ से नेटवर्क एकदम ठीक है। पहले मुझे बताओ, कोई मुझे नो लिखो, जिसको मेरी वॉइस ब्रेक नहीं हो रही वो नो लिखो। मैम इतने सारे बच्चों को नहीं हो रही, इसका मतलब ये क्लियरली ऑडिबल है। बेटा आपको एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सब यस बोलते मतलब मेरी तरफ से दिक्कत है और मेरा नेटवर्क शो कर रहा है एकदम प्रॉपर। ठीक है, तो एक बार बच्चा आप रिफ्रेश करो। ठीक है, तो अब देखो मैंने आपको क्या बताया, इनका बॉडी वॉल अगर मैं आपको बता रही थी तो बॉडी वॉल में आप देख पा रहे हो, देखो सबसे आउटर वाली थी वो थी पिनेकोडर्म, उसमें पिनेकोसाइट प्रेजेंट था। सबसे इनर वाली है कॉइनोडर्म, उसमें प्रेजेंट है कॉइनोसाइट। मैं पूछ रही हूँ यहाँ पे जो कॉइनोसाइट है उसका फंक्शन। बेटा इसका फंक्शन होता है इंजेशन ऑफ फूड। क्या है? इंजेशन ऑफ फूड। भाई कुछ भी खाना खाया है तो उसको इंजेक्ट अंदर की तरफ कौन करवाता है? हमारे कॉइनोसाइट करवाता है। ठीक है, और एक और फंक्शन होता है इसका डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्स सेल। मतलब इनके अंदर ना सेक्स का डिफरेंशिएट जो करवाते हैं वो कौन करवाते हैं? कॉइनोडर्म। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। अब मेरा एक बीच में लेयर बच गया था, मीजोहाइल। क्या बच गया था? मीजोहाइल। इसके अंदर देखो आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा यहाँ पे, अगर नहीं मेंशन है तो अमीबोसाइट। क्या नजर आ रहा है? अमीबोसाइट। तो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं अमीबोसाइट। बस आपको इतना ही याद करना है, ये बस नहीं है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब जैसे मीजोहाइल, इसी के अंदर बीच में देखो स्पीक्यूल भी प्रेजेंट है, आपको एक नजर आ रहा होगा स्पीक्यूल। स्पीक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये ऐसे करके एक स्ट्रक्चर होते हैं चुभने जैसे, इनके बीच में ना स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्लियर है? सारे स्ट्रक्चर इसके अंदर हमारे कवर हो चुके हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। अब हमने ना देखो ये कहानी जो थी वो क्यों शुरू की थी, वो इसलिए शुरू करी थी कि आपको थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ। ठीक है, हम वॉटर केनाल सिस्टम देख रहे थे। वॉटर केनाल सिस्टम में आपने इनका बॉडी वॉल देख लिया कि यार इनका बॉडी वॉल कैसे बना हुआ है, तीन लेयर में डिवाइड है, तीनों लेयर में कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो भी आपने देख लिया है। मैं इनके ना सिर्फ पानी वाला जो सिस्टम है ये ऑस्ट्रिया से फिर स्पॉन्जोफिल और ऑस्क्यूलम, इस पाथवे की बारे में थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। ठीक है बच्चा पार्टी? Yes, ma'am. बेटा निशा आप एक बार वो करो रिफ्रेश, क्योंकि मेरी आवाज सबको क्लियर है। बच्चा बच्चे सबको क्लियर है कि नहीं है पहले मुझे ही बताओ। आपको एक बार ना रिफ्रेश करना पड़ेगा। ठीक है, आपका नेटवर्क चेक करना। तो भी आ रही है ठीक, लेकिन मैं बीच में दोबारा चलाऊंगा। क्या बीच में जैसे आप पढ़ाते जाओगे ना मैम फिर दोबारा करने लग जाएगा। अच्छा, ऐसा तो किसी और के साथ नहीं हो रहा बच्चा पार्टी? वो बच्चा नो मैम। क्या ऐसा सबके साथ हो रहा है? क्या ऐसा सबके साथ हो रहा है कि मैं पढ़ा रही हूँ तब आवाज कट जा रही है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। तो बेटा वही आपके नेटवर्क इश्यू है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ एक बार ना रिफ्रेश करो। ठीक है मैम, एक बार मैं करती हूँ। हाँ बच्चा करो। ठीक है, अब हमारे और अगर नहीं आ रहा तो फिर आप एक बार ना रिकॉर्डेड लेक्चर भी है उसके अंदर देख लेना, क्योंकि नेटवर्क इश्यू यहाँ से बिल्कुल सही है तो वो रिकॉर्ड एकदम प्रॉपरली होगा।
ठीक है, वॉटर केनाल सिस्टम। अब जो वॉटर केनाल सिस्टम है ना बच्चा, ये होता है बेसिकली बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। आपको दिख रहा है यहाँ पे तीन टाइप का है, एक दो और तीन, कितने टाइप का है, 1 2 3। पहला जो टाइप है उसको हम बोलते हैं एस्कॉन टाइप। क्या बोलते हैं? एस्कॉन टाइप। दूसरा जो टाइप है उसको बोलते हैं साइकॉन टाइप। क्या? साइकॉन। और तीसरे को हम बोलते हैं ल्यूकॉन टाइप। ठीक है बच्चा, तो आप देखो जैसे जैसे कहानी 1 2 3, क्या आपने देखा पहले कितना सिंपल था, फिर कितना ज्यादा थोड़ा सा एडवांस हुआ, फिर और कॉम्प्लेक्स हो गया, है कि नहीं? एस्कॉन जो है ना बेटा, इट इज द सिंपलेस्ट टाइप। क्या होता है? सिंपलेस्ट टाइप। ठीक है, सबसे ज्यादा सिंपल है। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है देखो, ऑस्ट्रिया के थ्रू पानी आया, ठीक है, स्पॉन्जोसील में गया और ऑस्क्यूलम में निकल गया। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ यहाँ पे, सो देट आपके लिए इजी रहे। एस्कॉन में देखो क्या होता है, एस्कॉन में पानी ऑस्ट्रिया में आया, ऑस्ट्रिया के बाद कहाँ पे आया, स्पॉन्जोसील में आया, स्पॉन्जोसील के बाद वो ऑस्क्यूलम से निकल गया। ये मेजोरिटी में होता है सब में, जो जितने भी स्पॉन्जेस है, सबसे सिंपल सॉर्टेड प्यारा सा है ये बोर्ड, है ना। अब जो बात करते हैं, हम आते हैं साइकॉन में बेटा। ये जो दूसरा वाला आपको दिख रहा है साइकॉन, अब इसके बारे में हम बात करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, ऑस्ट्रिया के थ्रू पानी आया, ठीक है, ऑस्ट्रिया के थ्रू पानी आया, फिर आपको ये ऐसे करके स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता हुआ जो चल रहा है ना, इसको हम बोलते हैं रेडियल केनाल। क्या बोलते हैं बेटा? रेडियल केनाल। ठीक है, इसको क्या है, घूमने की आदत है इसको, सॉर्टेड सीधे सिंपल सी चीजें पसंद नहीं है। ठीक है, और रेडियल केनाल के बीच में जैसे ये जो स्पेस दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं डर्मल पोर। क्या बोलते हैं? या फिर इनकरेंट केनाल। अब सुनो, मैं ना आपको इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स, इतना डिटेल में जाने का ये बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये मैं आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बता रही हूँ। मैं आपको ना जो बताती हूँ वो क्या, कि साइकॉन का पाथवे क्या होता है। ठीक है, देखो ऑस्ट्रिया में लिया इसने पानी, ठीक है, ऑस्ट्रिया के बाद वो पानी यहाँ पे इन करंट कैनाल के थ्रू होके कहाँ पे जा रहा है बताओ? रेडियल कैनाल में। ये याद कर लेना, ठीक है बच्चा, समझे? रेडियल केनाल के बाद वो जाएगा स्पॉन्जो सील में, स्पॉन्जो सील के बाद कहां से चला जाएगा, वो ऑस्कम ऑस्क्यूलम के थ्रू आउटसाइड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन? अब हम आते हैं तीसरा वाला। हाँ बच्चा बोलो। मैम मिस्टेक हो गई थी बेटे, सबको हो रही है क्या? बच्चा तो मैं वही बोल रही हूँ, वॉइस आपको ब्रेक होती रहेगी क्योंकि अभी आपका नेटवर्क सही नहीं है, उसमें तो बताओ मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। आपका नेटवर्क तो बच्चा आप ही देखोगे ना, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ एक बार आपका नेटवर्क ट्राई करो, मे बी हॉटस्पॉट लेने का ट्राई करो, है ना, तो आपका सही हो जाएगा। देखो साइकॉन वाले का बच्चा ये है, देखो ऑस्ट्रिया में गया, ये जो मैं आपके पाथवे लिख रही हूँ ना, बस इसे याद रखो। जैसे यहाँ पे सीधा ऑस्ट्रिया से, यहाँ से स्पॉन्जोसील ऑस्क्यूलम से होके निकल गया, साइकॉन में ये आपको रेडियल पाथवे दिख रहे हैं। यस मैम। और इसके बीच में आपको इनकरंट केनाल दिख रहे हैं, तो पहले ऑस्ट्रिया में जाता है, फिर इनकरंट केनाल के थ्रू रेडियल केनाल से होते हुए वो स्पॉन्जोसील में आता है, स्पॉन्जोसील से वो निकलता है बेटा ऑस्क्यूलम में और फिर आउटसाइड, दैट्स इट। इसके अंदर जो एक्स्ट्रा एड ऑन हुआ है वो है रेडियल केनाल और इनकरंट केनाल। ठीक है, फिर तीसरा जो है वो है ल्यूकॉन टाइप। क्या है? ल्यूकॉन टाइप। अब ल्यूकॉन टाइप में ये हम बोल सकते हैं इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स। देखने में ही दिख रहा है यार कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मैम इसमें तो बताने की कोई बात ही नहीं थी। ऐसा नहीं लग रहा है इंसान का दिमाग है ऐसे अगर दूर से देखो तो, है ना? तो देखो अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको क्या एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जो जो ऊपर साइकॉन में नहीं था, थोड़ा सा देखो और मेरे को बताओ। एक्सकरेंट केनाल। एक्सकरेंट केनाल, ठीक है। और
और कुछ दिख रहा है मैम? कॉर्नोसाइट के चैंबर्स, ये और ये, ये आपको दो चीज दिख रही है एक्स्ट्रा? यस मैम, है ना, मेन तो यही दो दिख रही है। यहाँ पे हमारा बेचारा कहीं स्पॉन्जो सील जो है, क्या वो आपको गायब दिख रहा है? यहाँ पे क्या आपको नहीं लग रहा स्पॉन्जो सील की जगह ये एक्स करंट कैनाल वो वाला काम कर रहा है स्पॉन्जो सील का? यस मैम, कर रहा है ना। तो अब मैं इसका पाथवे लिखती जाती हूँ और आप डायग्राम देखते जाओ। जैसे ही मैं पाथवे लिखूंगी डायग्राम देखना, आपको पता पड़ जाएगा कि कैसे कैसे काम चल रहा है। पानी आया, पानी कहाँ से आया? ऑस्ट्रिया के थ्रू इन्होंने पानी लिया, ठीक है। पानी लिया, फिर पानी किस में जाएगा, कोई मुझे देख के बता सकता है? इसके अंदर इन करंट कैनाल, इन करंट कैनाल, ठीक है। देखो इन करंट कैनाल तो यहाँ भी प्रेजेंट होंगे ना बेटा, ये है ना, ये थोड़ी गायब हो जाएंगे, भले यहाँ पे लिख नहीं रखा तो क्या, ये थोड़ी गायब हो जाएंगे, ये तो दिख ही रहे हैं अपन को, टैप दिख रहे हैं, ये सारे इन करंट कैनाल। हाँ ठीक है, ये इन करंट कैनाल, इन करंट कैनाल के थ्रू फिर कहाँ पे जाएगा ये? इसके बाद क्या आपको दिख रहा है? इन करंट कैनाल के बाद सीधा ये जा रहा है कॉइनोसाइट चैम्बर में। यस मैम, इन करंट कैनाल के बाद ये जा रहा है कॉइनोसाइट चैम्बर। कॉइनोसाइट चैम्बर को हम बेटा ये भी बोल देते हैं फ्लैजिलेटेड चैम्बर। क्या? फ्लैजिलेटेड चैम्बर, क्योंकि देखो मैंने आपको यहाँ पे कॉइनोसाइट का स्ट्रक्चर पिछली वाली स्लाइड में ऐसे बना के दिखाया था ये, तो क्या उसपे मैंने ये फ्लैजिला बना के दिखाया था आपको ये? Yes, ना बेटा फ्लैजिला भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया इंजेशन ऑफ फूड का काम है, तो इसपे कोई फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर होगा, वो पकड़ेगा खाने को तभी तो वो अंदर आएगा, है ना। फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर कॉइनोसाइट, मैंने ये स्ट्रक्चर जो बताया ना आपको, ये ऐसा होता है, ठीक है बच्चा? Yes, ma'am. तो देखो yes, ma'am. इसके बाद इन करंट कैनाल के बाद कहाँ पे जाएगा? फ्लैजिलेटेड चैम्बर। फ्लैजिलेटेड चैम्बर के बाद कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको? एक्स करंट कैनाल, बच्चा ठीक है। और एक्स करंट कैनाल के बाद सीधा ऑस्कुलम। ऑस्कुलम, मैंने ऑस्कुलम के लिए ओ लिख दिया है ना, स्पेस नहीं बचा गया, ठीक है। यस मैम, किसी ने बच्चा हैंड रेज किया है? मैम ये फ्लैजिलेटेड वाला दोबारा समझा दे। हाँ बच्चा देखो मैंने आपको बताया यहाँ पे, देखो सबसे पहले ऑस्ट्रिया से आता है, ऑस्ट्रिया से जब आएगा ये इन करंट कैनाल में जाएगा। इन करंट कैनाल से होता हुआ, मैं थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ सो देट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये देखो ये हमारा चला बाहर ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया के बाद ये इन करंट कैनाल में गया, इन करंट कैनाल के बाद ये जो कॉइनोसाइट चैम्बर है उसके अंदर आया, चैम्बर के बाद ये आया हमारे एक्स करंट कैनाल में, और एक्स करंट कैनाल के बाद ये ऑस्कुलम से बाहर हो गया। तो बेटा ये जो कॉइनोसाइट चैम्बर है ना, इसका दूसरा नाम फ्लैजिलेटेड चैम्बर भी होता है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि कॉइनोसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होता है ना, उसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, इसीलिए कॉइनोसाइट को फ्लैजिलेटेड भी बोलते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? नहीं, कॉइनोसाइट का काम नहीं है क्या? कॉइनोसाइट बाकी दोनों में कॉइनोसाइट का कोई वर्क नहीं है? नहीं, वो सिंपल थे, ठीक है, और ये धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होते गए, दैट्स इट, ठीक है मैम, ठीक है ना। देखो यहाँ तक तो सिर्फ इन करंट ही था, यहाँ पे तो इन करंट था, जैसे जैसे यहाँ पे एड ऑन हुआ है कॉइनोसाइट और एक्स करंट, इस वाले की स्पेशलिटी है, ठीक है। यस मैम, और ये इसके अंदर रेडियल और इन करंट कैनाल एक्स्ट्रा था, और ये तो हमारा सिंपल वाला खैर है ही, इसके अंदर दो एड ऑन हुए हैं और इसके अंदर दो चीजें और एड ऑन हुई है, बस इतना याद रखो, है कि नहीं? Yes. है ना, इसमें तो किसी को ऐसा नहीं है कि नहीं मैम हम आपकी बात पे अग्री नहीं कर रहे, ये बिल्कुल बात सही नहीं है, ऐसा कोई है तो बता दो, मैं अग्री करवा दूंगी अभी। कोई नहीं है ना ऐसा, चलो
ठीक है, तो फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आती हूँ। अच्छा ये तो वही वाली है, इसे हटा देते हैं। ठीक है, तो बेटा ये जो वॉटर कैनाल सिस्टम था इससे पानी पास ऑन हो रहा था। अगर अब मैं बात करूं कि स्पॉन्जेस, ये जो पूरा पाथवे होता है और ये जो पूरा इनका जो सिस्टम चल रहा है, थी जो मैंने बकवास की, ठीक है, वो इनके थ्रू क्या क्या हो जाता है, ये जो पाथवे के थ्रू है ना सारी चीजें हो जाती है, सारी चीजें हो जाती है। मतलब पहली मैं बात करूं न्यूट्रिशन, मैंने अभी बताया कॉइनोसाइट फूड को कैप्चर करेंगे, है कि नहीं, तो न्यूट्रिशन में इनको हेल्प मिल जाती है। ये रिस्पायर भी कुछ इसी तरह कर लेते हैं, ठीक है, एक्सक्रीट भी कर लेते हैं, ठीक है, और क्या कर लेते हैं, इनका ट्रांसफर ऑफ गैमेट भी हो जाता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट। हमने कितनी सारी चीजें पढ़ ली, देखो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। पहले हमने स्टार्ट किया था एक, इनका हैबिटेट कैसा है, दूसरा इनका बॉडी फॉर्म कैसा है, तीसरा कि इनका बॉडी वॉल जो कैसा है वो कैसा है, ठीक है। अब मैं आती हूँ चौथे पे और वॉटर कैनाल सिस्टम देख लिया है। अब मैं फोर्थ स्टार्ट करती हूँ बेटा, क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो मतलब मैंने आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जब मैं बता रही थी कल, मैं जब मैंने स्टार्ट किया था, तीन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कौन कौन से, आपका दिमाग क्या लग रहा है, क्या होगा, सेल्यूलर होगा, टिश्यू होगा या ऑर्गन होगा, खुद से बताओ, मैं नहीं बताऊंगी, सब बताओ, से बताएंगे क्या, बाकी सब बताओ, सब बताओ, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होगा। मैम आप कैसी बातें कर रही हो, बहुत सॉर्टेड सी बातें, इतने पुअरली डेवलप्ड है, सारा काम एक जगह से कर लें तो ऑब्वियसली बात है मैम सेल्यूलर पूछने वाली बात ही नहीं थी, ठीक है। तो इनके जो सेल्स है अपने आप में काम डिवाइड कर लेते हैं, सेल इनके में ऑर्गन नहीं होते कि एक्सक्रीशन के लिए अलग ऑर्गन हो, कि मतलब एक्सक्रीशन के लिए इनके पास किडनी हो, नहीं, इनके पास रेस्पिरेशन के लिए लंग्स हो, ऐसा कुछ नहीं है। आधे सेल रेस्पिरेशन कर लेते हैं, आधे सेल एक्सक्रीशन कर लेते हैं, आधे न्यूट्रिशन खाना वाना कर लेते हैं और आधे रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, ऐसा काम चलता है इनके अंदर, ठीक है। फिर आते हैं बच्चा इसके बाद क्या, सिमेट्री। आप दिमाग लगाओ, मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था बहुत ही अजीब सा, क्या लगता है आपको कौन कौन सी इसके अंदर सिमेट्री प्रेजेंट हो सकती है? किसी को अगर याद नहीं आ रहा है तो सिमेट्री वाला मैं फिर खोल देती हूँ, ये रहा सिमेट्री वाला, कौन कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट होगी इसके अंदर? ए सिमेट्रिकल तो है, पर कुछ के अंदर बेटा एक सिमेट्री और होती है जो होती है रेडियल सिमेट्री, कि आप उसको किसी भी प्लेन से डिवाइड करो वो इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। देखो मैं इसको करके दिखाऊं, ये देखो यहाँ से करो तो भी इक्वल, 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 और कुछ कुछ तो होते ही एसिमेट्रिक है। ये देखो ये वाला कितना एसिमेट्रिक है ना, समझ पड़ रही है? तो इसके अंदर सिमेट्री होती है, एक होती है सबके अंदर मेजरली एसिमेट्री, और सब के अंदर कुछ के अंदर बोले तो उसके अंदर रेडियल हो जाती है कुछ के अंदर, ठीक है मैम। अगर आप बोल रहे हो कुछ के अंदर रेडियल सिमेट्री होती है तो उसका एग्जांपल भी दो, तो बेटा उसका एग्जांपल है एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, वो है साइकॉन। एक साइकॉन इनका होता है ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर ये होता है। इज दैट क्लियर? यस मैम। सबको आवाज कट रही है? यस मैम। बस आपको शायद मुझे लग रहा है ये यहाँ पे जो चीजें चल रही है आप लोगों को ना, ठीक आ रही है? यस मैम क्लियर है, अच्छी आ रही है।
अच्छी आ रही है बच्चा रिफ्रेश करो यार, आप लोगों के नेटवर्क के चक्कर में मैं टेंशन में आ जाती हूँ कि यार कहीं मेरी तरफ से तो कोई ग्लिच नहीं है, है ना निशा? बच्चा आप एक बार रिफ्रेश करो, देखो इसमें तो अगर मेरी तरफ से वॉइस ब्रेक होता तो सबको होता है ना, किसी को भी क्लियर नहीं आ पाता, बट मेजोरिटी बच्चों को क्लियर आ रहा है, तो मतलब एक बार आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, ठीक है? सारी है। अच्छा ठीक है, तो देखो अब मैंने बोला एसिमेट्री होती है और रेडियल सिमेट्री होती है, बायलेटरल तो हो ही नहीं सकती, उसका मतलब है बस एक प्लेन से डिवाइड करो तभी इक्वल लेफ्ट और राइट में डिवाइड होगा, पर हमें ऐसा कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं दिखा है, हमें या तो देखो हमें या तो बायलेटरल रेडियल दिखा है या फिर इसके अंदर क्या दिखा है दैट एसिमेट्री। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं यार इसके अंदर, सिर्फ एक नहीं है जो मैंने अभी आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखा दिया, बहुत कुछ होता है तो हम सबको नहीं देख सकते, ठीक है याद करना पड़ेगा आपको। फिर आता है जर्म लेयर, आपको याद आ रहा है मैंने जर्म लेयर एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कल आपको? यस मैम। तीन जर्म लेयर होती है, कौन कौन सी? एक्टोडर्म, एंडोडर्म। तो इसके अंदर ना जर्म लेयर जो है बेटा क्लियरली अगर हम बोले डिफरेंशिएटेड तो नहीं थी हमने, क्योंकि उसको बस पढ़ने के लिए डिफरेंशिएट किया था, अगर होता तो हम पढ़ते एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, इंस्टेड ऑफ देम हमने इनको नाम दिया आउटर वाली को पिनेकोडर्म क्योंकि उसके अंदर वो वाले स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे, ठीक है, और सबसे अंदर वाली जो थी उसको हमने नाम दे दिया कोइनोडर्म क्योंकि वहां पे वाले स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे। तो हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ पे नाम दे दिए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जिसको हम बोलते हैं बेटा बॉडी वॉल, जो कि हमने पढ़ ली है, ठीक है एक सेकेंड, बॉडी वॉल में मैंने आपको सब बता दिया है, ठीक है यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मैम एक बार बेटा जर्म लेयर तो देखो यही है ना, कल अपन ने कल वाला लेक्चर मैंने घोट घोट के जो आपको पिलाया था मैम वो तो समझ आया था, बट मतलब इसमें होती तो इसके अंदर देखो जर्म लेयर होती ही नहीं है ना, आपको क्या तीन लेयर अलग से नजर आ रही है यहाँ पे, कोई एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म नजर आ रही है? नहीं, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है और बाहर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है हमने उस लेयर को वो वाला नाम दे दिया है, अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है हमने उस लेयर को वो वाला नाम दे दिया है, पर यहाँ पे कोई पर्टिकुलरली लेयर प्रेजेंट है क्या बच्चा? नो मैम। नहीं है ना, दैट्स इट, यही जो था इसके ना, इसके अलावा और कुछ नहीं था, ठीक है किसी को कोई कंफ्यूजन? अब इसके अंदर ना ऐसा नहीं है एक एक चीज है, दो दो चीज है इसके अंदर, इतनी बकवास है, तो चलो मैं तो ना थोड़ी सी कुछ बकवास आपके लिए लिख भी देती हूँ कि जो आपको बहुत बैठ के शायद रटनी पड़े, ठीक है रेडी हो उस बकवास के लिए? बेटा इसके अंदर क्या होता है कि ना अभी तक मैंने आपको जो स्ट्रक्चर बताया यार, देखो आपको मैंने पिनेकोसाइट्स बता दिए, ठीक है और भी मैंने चीजें बताई, यहाँ पे आप कुछ मैं ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, लेट से एक होते हैं इसके अंदर थीजोसाइट्स, क्या होते हैं थीजोसाइट्स, इसके अंदर क्या होते हैं फेकोसाइट्स, ठीक है इसके अंदर होते हैं कॉलिनसाइट्स, ठीक है फिर इसके अंदर होते हैं मायोसाइट्स, ठीक है बच्चा फिर इसके अंदर होते हैं क्रोमोसाइट्स, बच्चा इन सब के मतलब है ना फंक्शन है कि यार थीजोसाइट्स क्या करता है, फेकोसाइट्स क्या करता है, कॉलिनसाइट्स क्या करता है, ये क्या करता है या ये क्या करता है, तो इसके लिए तो क्या है मैंने आपको वो पीडीएफ जो शेयर किया है ना उसके अंदर एक टेबल बना के ऐसे करके ना इन सब के ना फंक्शन लिखे हुए हैं, तो आप इसके फंक्शन वहां से पढ़ना, ठीक है? ओके मैम। इज दैट क्लियर? क्योंकि यहाँ लाइक जिस मैं लिख दूंगी तो आपको वैसे भी याद नहीं होने वाला है, तो इसलिए अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है और ये लीस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या है बच्चा लीस्ट इम्पोर्टेंट, नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट बट फिर भी, क्योंकि अगर आप ये चैप्टर करने जा रहे हो तो बस एक चीज सोच के करना, करो तो सब करो, नहीं करो तो कुछ मत करो, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है ना इसमें जो क्वेश्चंस है नो डाउट
बुरे से बुरा क्वेश्चन बन जाता है, कहीं से भी उठ जाता है, इतना डिटेल में पढ़ूंगे तब भी कम पड़ जाता है। तो याद रखना, करो तो पूरा करो, नहीं करो तो पूरा छोड़ो, ये चैप्टर ऐसा है। और ये बेटा नीट में सीधे के सीधे इसमें से मान के चलो 4 से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन बोले तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, सीधा इतना मार्क्स कैरी करता है ये, सोचो। तो इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसको ना छोड़ते नहीं है, ये इतना बुरा चैप्टर है उसके बाद भी। ठीक है, क्लियर ना बच्चा? यस मैम, यस मैम। अब हम बात आगे बढ़े थोड़ा सा, ठीक है। अगर अब मैं बात करूं कि यार इसके अंदर जो डाइजेशन है वो किस टाइप का होगा, कोई मुझे बताएगा? मैं सिर्फ पर्टिकुलर यहाँ पे डाइजेशन की बात कर रही हूँ। तो डाइजेशन मैंने आपको 2 तरीके का बताया था, एक कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट। अब बताओ, नाम बोलो मेरे को डाइजेशन। मैम इनकम्प्लीट और कंप्लीट। मैम इनकम्प्लीट में दो ओपनिंग होती है, कंप्लीट में एक होती है। इनकम्प्लीट होगा। और इनका जो न्यूट्रिशन है वो कैसा होगा, किसके थ्रू होगा, कोई मुझे बता। माउथ टू एनिमल्स। क्या? फूड के थ्रू। फूड के थ्रू। हॉलो सोई। पता है, देखो जैसे इनकी जो बॉडी है ना, उसके अंदर बेटा क्या प्रेजेंट होते हैं, फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और इनको क्या करते हैं, जब ये कुछ खाना करते हैं तो फूड वैक्यूल्स में जाके इनका ना खाना स्टोर होता है, ठीक है। और वहीं पे इनका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया इनके पास कोई सेल नहीं, वो इनके पास कोई ऑर्गन नहीं है, जैसे हमारे पास किडनी है, इनके पास किडनी नहीं है, इनके पास फूड वैक्यूल्स है जो काफी सारे सेल्स से मिलके बनाए, और वही इनका बच्चा डाइजेशन करवाता है। इज दैट क्लियर? और क्योंकि सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है, तो जो डाइजेशन है वो होता है इंट्रा सेलुलर। कैसा होता है? इंट्रा सेलुलर। इज दैट क्लियर? कंफ्यूजन इसके अंदर? यहाँ पे मैंने आपको जो बताया था थीजोसाइट्स, थीजोसाइट्स दिख रहे हैं आपको बेटा? तो ये जो फूड है ना, हमारे डाइजेशन तो फूड वैक्यूल में हो जाता है, पर अगर बात करें कि स्टोर किसके अंदर होता है, तो स्टोर होता है थीजोसाइट्स के अंदर होता है। डाइजेशन इसके अंदर होता है, स्टोर थीजोसाइट्स के अंदर होता है, ठीक है? यस सर। यस मैम। ये कौन सा हो रहा था पॉइंट मेरा? आपकी वॉइस बीच बीच में ब्रेक हो रही है बेटा। सब किसी को कुछ बोले तो ना, कभी क्लास खराब होती है, ठीक है? चलो आप भाई को बताओ, जिसका स्केलेटल है, उसके बाद हो रही है। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। यस मैम। हेलो, एम आई ऑडिबल? ऑडिबल ऑडिबल। ऑडिबल ना एकदम बढ़िया तरीके से? यस मैम। नो मैम। क्या नो मैम? अभी बाकी सारे बच्चे यस बोल रहे हैं। सही जा रही है, आ रही है ना सही? ऐसे ना करो यार, क्योंकि आधे बच्चों को आ रही है, इसका मतलब आधे किसी एक को भी आती है ना, तो इसका मतलब ये मेरी तरफ से तो नेटवर्क सही है, ठीक है? अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसका बच्चे बोलते हैं ना, इस वजह से वॉइस ब्रेक हो जाते हैं बीच में। हाँ, क्योंकि वो नो डाउट नेटवर्क इशू, क्योंकि फिर वो बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ आप सब अपना ना माइक बंद रखो। देखो जैसे आप पढ़ते होगे तो आपने देखा होगा कोई भी टीचर माइक तो ऑन नहीं करता है आपका, करता है क्या दूसरी क्लासेस में? मैम एक ही सर नहीं करते। हाँ, तो बेटा वैसे क्या होता है, हमें माइक नहीं ऑन करना होता, हमें जो लिखना है आप मैसेज में लिखो, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी क्लास में बच्चे पढ़ते में क्या करें, बैठ के टाइपिंग में अपना टाइम वेस्ट करें, फिर मैं आगे निकल जाऊं, फिर उनका ध्यान कहीं और जाए। तो आई वॉन्ट कि आपका क्वेरी हाथों हाथ सॉल्व होता जाए, तो इसीलिए पर थोड़ा वो बना के रखो क्लासेस का, ठीक है? अब हम बात करते हैं क्या स्केलेटल, जो मतलब स्ट्रक्चर जो है बाहर से उनका कैसा है,
उन पे क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ कि यार वो स्ट्रक्चर कुछ कैसा दिख रहा था। क्या आपको इसके स्ट्रक्चर में, मैं आपको बोल रही थी यार जैसे स्पिक्यूल ले लेते हैं, मैंने आपको बोला ये ऐसी ऐसी करके कांटे कांटे जैसी चीज प्रेजेंट है, तो इसका स्केलेटल स्पिक्यूल से मिलके नहीं बना है, मिलके बना ही नहीं बना है। Yes, ma'am. तो बेटा इनका स्केलेटल इज मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स, किससे मिलके बना है, स्पिक्यूल से। और जो स्पिक्यूल्स है, अब आप क्या दिमाग में नहीं आ रहा क्या मैम ये स्पिक्यूल्स किसके बने हुए हैं, कांच के बने हुए हैं, मिट्टी के बने हुए हैं, रबड़ के बने हुए हैं, किस चीज के बने हुए हैं बेटा? कॉलेजन फाइबर। कॉलेजन फाइबर, वेरी गुड। नहीं, स्पिक्यूल्स का दूसरा जो नाम है उसको हम बोलते हैं स्पॉन्जिन फाइबर। क्या बोलते हैं? स्पॉन्जिन फाइबर, ठीक है। अगर हम बात करेंगे स्पिक्यूल किसके बने होते हैं, तो वो होते हैं कैलकेरियस। किसके? कैलकेरियस, यानी कैल्शियम के ये बने होते हैं, या फिर हम बोलते हैं सिलिका। किसके होते हैं ये? सिलिका के बने होते हैं, यानी कि सिलिशियस। कैसे? सिलिशियस होते हैं या कैलकेरियस? कैलकेरियस कैल्शियम के बने हुए हैं, सिलिशियस सिलिका के बने हुए हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। तो अब जो इनका रिप्रोडक्शन का मोड है बच्चा, वो कैसा है, रिप्रोड्यूस कैसे कर रहा है, कितने पुअर है, कितने पुअरली, हाँ ये बहुत पुअरली डेवलप्ड है। तो इनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ना, वो होता है हर्माफ्रोडाइट। सारे के सारे जो स्पॉन्जेस हैं, ऑल स्पॉन्जेस मेंशन किया है मैंने, ऑल स्पॉन्जेस आर हर्माफ्रोडाइट। अब आप बोलोगे, आधे बच्चे बोलेंगे मैम हर्माफ्रोडाइट क्या होता है, हमें नहीं पता। हर्माफ्रोडाइट का बच्चा मतलब होता है कि जो सेक्सेस होता है ना, मेल या फीमेल सेक्सेस आर नॉट सेपरेट इन देम। इसके अंदर सेक्स सेपरेट नहीं होते हैं कि मेल अलग हो फीमेल अलग हो, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब होता है जैसे मेल का स्पर्म मान लो, है ना, फीमेल का ओवा मान लो, बोथ आर प्रोड्यूस सेम इंडिविजुअल ऑन सेम इंडिविजुअल, एक ही पे दोनों होते हैं, यानी कि हम इसको क्या बाइसेक्सुअल भी बोल सकते हैं? बाइसेक्सुअल बोल सकते हैं, और बाइसेक्सुअल के साथ हम इसको बोल सकते हैं मोनोशियस। क्या बोल सकते हैं? मोनोशियस। ये टर्म बच्चा आप याद रखना, हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल और मोनोशियस एक ही चीज होती है, यानी दोनों सेक्स एक ही पे प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा एक और टर्म आता है क्या, यूनिसेक्सुअल। ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ, ये इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। यूनिसेक्सुअल बोल लो या फिर डायोशियस बोल लो, डायोशियस और यूनिसेक्सुअल का मतलब एक ही होता है, यानी मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग होता है, मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट। इज दैट क्लियर? तो yes, आपके है ना बहुत बार ये टर्म आएगा, हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल मोनोशियस, और मोनोशियस में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। इज दैट क्लियर? यस। अब अगर मैं बात करूं कि यार इसके अंदर जैसे हम रिप्रोडक्शन की ही बात कर रहे हैं, तो मतलब अभी तो मैंने देख लिया कि ये डायोशियस है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर सॉरी मोनोशियस है, ये दोनों सेक्सेस एक ही पे प्रेजेंट है, बट इनका मोड क्या है, मतलब आप क्या सोच रहे हो इसके अंदर? सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे पहले जो होता है वो होता है एसेक्सुअल मेथड। कौन सा? एसेक्सुअल मेथड। पर साथ ही साथ इसके अंदर सेक्सुअल मेथड भी होता है। सेक्सुअल क्यों होता है, मैंने अभी आपको मेंशन किया, स्पर्म्स और ओवा हो तो दोनों ही प्रोड्यूस रहे हैं ना, तो सेक्सुअल मेथड भी हो सकता है, और क्योंकि पेरेंट एक है तो इसके अंदर एसेक्सुअल भी होता है। इज दैट क्लियर? एसेक्सुअल क्यों होगा? जितने भी मैंने आपको पूरी कहानी शुरू करने से पहले ही मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, एसेक्सुअल लोअर ऑर्गेनिजम्स में तो होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर मेल और फीमेल अलग पे तो प्रेजेंट होता नहीं है, मेल और फीमेल एक ही पे प्रेजेंट होता है, जहाँ पेरेंट ही एक ही पे है तो वहां पे एसेक्सुअल तो डेफिनेटली होगा। पर इसका मोड क्या है, जैसे एसेक्सुअल में भी क्या,
तो जैसे एसेक्सुअल में बडिंग कर लेगा, ठीक है, इज दैट क्लियर? सेगमेंटेशन कर लेगा बेटा, रीजनरेशन कर लेगा। ये मैं आपको जो दो टर्म यूज की हूँ, क्या आप मेरा वो वाला, अच्छा वो लिंक, ओके ठीक है, मैं आपको ना आज वो एक लिंक शेयर करती हूँ, आप मेरा वो वाला लेक्चर जरूर देख लेना जो मैंने 12th में पढ़ाया है, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इस पे मैंने पूरे एक घंटे का लेक्चर दिया जिसमें मैंने बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन सब पढ़ाया है, ठीक है। ये आप लोगों के काम का नहीं है, बट फिर भी आप लोगों के पास टर्म यूज हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये आखिर चीज है क्या। उस दिन भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, बर्ड ऐसे होता है, एक प्लांट की आउटग्रोथ होती है ना, फ्रेगमेंट्स छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, याद आ रहा है? यस मैम, 9th में भी था। यस मैम, कैंप में पढ़ा था ये सारा। चलो वो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो बहुत अच्छा है ये तो। चलो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे यहाँ पे होगा, कैसे हो सकता है? इंटरनल एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इसके अंदर होते हैं, ठीक है, इज दैट क्लियर? बस इतना याद रखना है आपको, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, ठीक है। बर्डिंग के साथ यहाँ पे इसमें गैम्यूल फॉर्मेशन भी होता है, गैम्यूल फॉर्मेशन। अपन ने प्लांट किंगडम में गैम्यूल बहुत ध्यान से देखा था, याद आ रहा है आपको? गैम्यूल कब था, गैमा कब था, उसमें गैम्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, फिर वो जर्मिनेट होते हैं, वैसा 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 एनिमल्स में भी होता है, इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. हमने किस किस की बात कर ली, 9th, अब आते हैं 10th। 10th में मैं बात करूं रेस्पिरेशन, क्या आपको नहीं लगता रेस्पिरेशन के लिए तो कुछ अलग है ही नहीं इनके अंदर? तो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, चलो एक्सक्रीशन भी यही मेंशन कर दो, किसके थ्रू होगा? बॉडी सरफेस है ना स्वयं की, मैंने आपको बताया कि बॉडी की सरफेस के थ्रू अंदर आता है, और उसी के साथ जैसे ऑस्टिया जो प्रेजेंट है उसी से एक ही ओपनिंग है इनके अंदर बिचारी, तो उसी के थ्रू सब करवा लेते हैं, कोई स्पेशलाइज ऑर्गन नहीं है इनकी बॉडी में, ठीक है। अब हम आते हैं डेवलपमेंट, अगर ये पैदा हुए कुछ भी हुआ ये डेवलपमेंट कैसा होता है, ये कैसे डेवलप करते हैं? जैसे अपन तो होते हैं एक छोटे से बेबी के फॉर्म में बनते हैं, फिर धीरे 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 हमारा बोलते हैं 3 फेजेस होते हैं, पहले हम बिल्कुल छोटे होते हैं, फिर प्यूबर्टी फेज आता है, रिप्रोडक्टिव फेज आता है, फिर हम ओल्ड हो जाते हैं। वैसे अगर हम इनके अंदर बात करते हैं ना, तो इनका जो डेवलपमेंट का जो मोड है वो होता है बच्चा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब हमारे अंदर, जैसे हम एक इंसान की जैसे पैदा होते हैं, और जैसे हम बचपन में होते हैं 2 हाथ 2 पैर वैसे बड़े होके दिखते हैं। इनडायरेक्ट मतलब इनके अंदर एक स्टेज आती है जिसको बोलते हैं लार्वल स्टेज, कि इनका पहले एक लार्वा बनता है, जो कि लार्वा मतलब जो डिफरेंट होता है, डिफरेंट इमेच्योर फॉर्म विच इज डिफरेंट फ्रॉम मिच्योर, जो अब इनके मिच्योर फॉर्म होता है ना उससे ये थोड़ा सा अलग दिखता है, यानी पहले ये पैदा होते हैं, फिर लार्वा में कन्वर्ट होता है, और लार्वा के बाद ये सीधा अडल्ट बनता है, ठीक है। ये डायरेक्ट ऐसे नहीं पैदा हुआ और सीधा अडल्ट जैसे दिखने लगे, इनके बीच में एक आता है जिसको बोलते हैं हम लार्वा। अगर मैं प्रिसाइजली यहाँ पे मेंशन करूँ ना, तो देखो कैसा, पहले ओवा और स्पर्म मिलते हैं, ठीक है, फिर उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद इनके अंदर बनता है जाइगोट, जाइगोट के बाद इनके अंदर बनता है लार्वा, और लार्वा के बाद इनका बनता है स्पॉन्ज। स्पॉन्ज ही तो बनाना है हमें, ये इनका लाइफ है, ये है इनका डेवलपमेंट का मोड, इज दैट क्लियर? यस, किसी को कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. तो अब ना इसके अंदर ना बेटा कुछ क्लासिफिकेशन भी है जो आपको देखने होते हैं, जैसे जो स्पॉन्जेस है वो क्लासिफिकेशन है इसका 3 में डिवाइडेड होता है। एक्चुअली किस में डिवाइडेड होता है, ये 3 क्लासेस में डिवाइडेड होते हैं। अगर मैं ऊपर ऊपर से बोलूं कि उन क्लासेस का नाम क्या है, तो उन क्लासेस का नाम है एक कैल्केरिया,
क्या नाम है, कैलकेरिया, पहली क्लास का नाम, ठीक है। दूसरी क्लास का नाम है बहुत ही गंदा सा, हेक्साटिनिलिडा, हेक्साटिनिलिडा इज दैट क्लियर। और तीसरी जो क्लासेस है वो फिर भी इजी है, जिसको हम बोलते हैं डेमोस्पोंजिया। क्या बोलते हैं बच्चा, डेमोस्पोंजिया, इज दैट क्लियर। इसके अंदर आपको कुछ याद नहीं रखना, ये क्लासेस क्या करती है क्या नहीं, आपको बस इसके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। और वो एग्जाम्पल ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा इजी है, बहुत आपको हार्ड लगेंगे। जैसे मैंने अभी आपको दो एग्जाम्पल बताए थे, ल्यूको सोलेनिया वो इसका एग्जाम्पल है, स्काइफा इसका एग्जाम्पल है ना। ये आपका वो जो है ना बेटा दैट पीडीएफ, ये उसके अंदर भी है, ठीक है। यूकिसीला ये भी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। यूफिलेक्टेला इसका एग्जाम्पल है। ये सोचो, ये जो मैं ऐसे गंदे गंदे से जो नाम लिख रही हूँ ना, ये बेटा ये सारे ऑर्गेनिज्म के नाम है और ये आपको याद करने पड़ेंगे। सोच पा रहे हो आप, नहीं सोच पा रहे तो सोचो, ये करना है आपको, ठीक है। स्पॉन्जिला, ये सारे ऑर्गेनिज्म है जो इनकी क्लासेस में आता है और ये इनके एग्जाम्पल है जो मैंने रेड से मेंशन किए हैं, ये आपको ना बच्चा याद करना पड़ेगा, ठीक है। बोलना है किसी को कुछ कि मैम यार ये तो सही में ऐसे नाम ही देख के बुरा सा लग रहा है, लग रहा है ना बुरा सा। हम क्यों ढूंढ देते हैं क्या बच्चा, हम साइंटिस्ट ऐसे ऐसे नेम क्यों रखते हैं। हाँ वही ना, या मतलब हमारे इंसानों की पढ़ाई करवा देते हैं, फालतू के इतनी सारी पढ़ाई करवा रहे हैं, है कि नहीं है। मैम नाम इतने हार्ड नहीं होने चाहिए, अब क्या करे, डॉक्टर बनना है ना आपको, तो ये तो बेटा भी कुछ भी नहीं है। जब दवाइयों के नाम याद करोगे ना तब तो और ज्यादा दिमाग खराब हो जाएगा, तब तो ये सोचोगे आपका ना MBBS में जब सेकंड ईयर जो होता है ना, सेकंड ईयर में आपको एक सब्जेक्ट आता है फार्माकोलॉजी, क्या आता है फार्माकोलॉजी, उसके अंदर आप सिर्फ दवाइयों के नाम पढ़ते हो और इतनी वाहियात दवाइयां, इतनी वाहियात दवाइयां जो कभी याद भी नहीं होती है। ले देके आपको जो दवाई याद होगी वो याद होगी एस्पिरिन या फिर पैरासीटामोल, दो दवाई जो सबको बहुत पसंद होती है वो यही होती है। ना पूरे साल भर तब भी सिर्फ दो या दवाई याद कर पाओगे जो कि एस्पिरिन और पैरासीटामोल है। क्या यहाँ पे कोई है जिसको इन दो दवाई के बारे में नहीं पता, पता है ना एस्पिरिन और पैरासीटामोल के बारे में। तो बस ये नहीं, पर बहुत पढ़ना होता है, इतनी दवाइयां होती है, इतनी दवाइयां होती है ना आपको याद करनी है। एस्पिरिन तो हमारी दादी भी खाती है। हाँ आपकी दादी को क्या हार्ट डिजीज है? यस मैम, है ना, हाँ इसलिए खाती है आपकी दादी वो, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं इनके यूनिक फीचर्स के बारे में, ठीक है बच्चा, कि यूनिक फीचर्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब जो इनको अलग बनाते हैं तो वो क्या अलग है। जैसे इनके पास क्या प्रेजेंट है, ऑस्टिया प्रेजेंट है, ठीक है। इनका सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वाटर कैनाल सिस्टम है, कॉइनोसाइट्स प्रेजेंट है, इनके अंदर स्पॉन्जोसील प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें मुझे लगता नहीं किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा होगा यार, है ना, आ रहा है क्या? नो मैम। तो देखो एक बार ना हम फिर से आपको स्लाइड शो कर दे रहे हैं सो दैट आपको पता चल जाए हमने आज क्या पढ़ा है। और ये वाला जो है ना अपना पॉरीफेरा, ये कंप्लीट हो चुका है। देखो पॉरीफेरा में क्या था, हैबिटेट आपको याद रखना है, बॉडी फॉर्म क्या है वो याद रखना है कि पूरे पे छेद छेद प्रेजेंट है, ठीक है। पूरे पे छेद से हम आते हैं बॉडी वॉल पे, जो इनका जो ये है इनका बॉडी वॉल। बॉडी वॉल बोले तो तीन में डिवाइडेड है, एक्सटर्नल, मिडिल और इंटरनल। इनकी में ऐसा लेयर प्रेजेंट नहीं होता है, तो हमने हमारी कन्वीनियंस के लिए क्या किया, अगर बाहर की तरफ पिनेकोसाइट प्रेजेंट है तो उस लेयर को नाम दे दिया पिनेकोडर्म, अंदर की तरफ हमारे कॉइनोडर्म कॉइनोसाइट प्रेजेंट है तो हमने नाम दे दिया कॉइनोडर्म। एक बीच में लेयर प्रेजेंट होती है जिसके अंदर अमीबोसाइट प्रेजेंट होते हैं, उसको हमने बोल दिया मीजोहाइल, ठीक है। फिर अब पूरा पाथवे क्या है, इनके अंदर आखिर कैसे चलता है, तो वो तीसरा होता है एक में एस्कॉन, फिर साइकॉन, फिर ल्यूकॉन।
इट इज सिंपल कॉम्प्लेक्स फिर और कॉम्प्लेक्स. इसमें दो चीजें एड ऑन हो जाती है, रेडियल केनाल और इनकरंट केनाल. इसके अंदर और दो चीजें हो जाती है, एक्सकरंट और काइनोसाइट. ये मैंने पाथवे लिखे हैं. आपको जो याद करना है यहाँ पे वो इनके पाथवे याद करने, जो मैंने सीक्वेंस यहाँ पे बनाई है ना बच्चा, वो ये वाली. ठीक है, अब इसके बाद ना क्या बच्चा, साइकॉन कॉम्प्लेक्स में आएगा क्या? साइकॉन कॉम्प्लेक्स है. हाँ यार देखो ना, कॉम्प्लेक्स नहीं है क्या ये? देखो ये सिंपल है, इससे ज्यादा हार्ड नहीं हो गया ये? थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं हो गया इसका? और ये तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स, मैंने लिखा ये कॉम्प्लेक्स और ये तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स. ठीक है ओके मैम. चलो फिर उसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैम हमें पता है, आप मत बताओ. सिमेट्री मैम हमें पता है. जर्म लेयर मैम आप बता चुके. फिर उसके बाद बोले कि ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके प्रेजेंट होते हैं. आई थिंक एक दो और है और उनके फंक्शन आपको देखने पड़ेंगे, याद कर लेना. ठीक है ठीक है. फिर इनका डाइजेशन का प्रोसेस है वो कैसा होता है मैंने आपको बताया. इनकम्प्लीट न्यूट्रिशन जो है होलोजाइक, वो फूड वैक्यूल्स में इनका डाइजेशन होता है. और फूड डाइजेस्ट होने के बाद स्टोर जो होता है वो होता है थीजोसाइट्स में. अभी आप जब फंक्शन पढ़ोगे ना कि थीजोसाइट्स का क्या फंक्शन है, तो थीजोसाइट्स के फंक्शन में आपको ये दिख जाएगा अलग से, है ना. फेगोसाइट्स का फंक्शन, ये सब इनके फंक्शन करोगे तो आपको पता पड़ जाएगा. फिर आता है इसका स्केलेटन किससे बन के बना होता है, तो ऐसे करके एक स्ट्रक्चर इनकी पूरी बॉडी पे प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्पिक्यूल्स या फिर स्पॉन्जिन फाइबर. रिप्रोडक्शन का मोड मैंने आपको बता दिया है, रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, रेस्पायर कैसे करते हैं, और डेवलपमेंट इनका कैसा होता है, और इनका क्लासेस तीन टाइप की होती है. दैट्स इट. ये था हमारा पूरा एक किंगडम जिसको हम बोलते हैं फाइलम पॉलीफेरा. इज इट क्लियर? और अब मैं ना क्या नाम है आपको स्लाइड शो कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो स्लाइड नंबर वन और फिर मुझे अटेंडेंस भी दे देना आप. स्लाइड नंबर वन, स्लाइड नंबर टू, स्लाइड नंबर थ्री, स्लाइड नंबर फोर, स्लाइड नंबर फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन. अरे ये तो क्या इधर हो गया. ठीक है, तो आज जो वाली जो स्लाइड है ना पूरी सिर्फ किसके बारे में, पॉलीफेरा के बारे में. तो आप क्या करना, इसका पीडीएफ बना लेना और इसके नीचे लिख देना फाइलम पॉलीफेरा पीडीएफ. ठीक है फटाफट ना वो दे दो बच्चा. अटेंडेंस मैंने क्योंकि नहीं लिया था आप लोगों का. ठीक है मैं शुरू से बोल देती हूँ. राजनंदनी, खुशी, सुहानी, ज्योति प्रेजेंट है, अनन्या प्रेजेंट है, कीर्ति भी प्रेजेंट है, प्रियंका मैम वो अभी अभी लेफ्ट हुई है. ठीक है, ऋतिक, सोहानी, कृष्णा, सृष्टि, साजनी तो प्रेजेंट है, सानिया, सांगनी, समीर, प्रतिभा प्रेजेंट है, श्वेता प्रेजेंट है, डॉली भी प्रेजेंट है, निशा भी प्रेजेंट है, रीवा भी प्रेजेंट है. ठीक है, कैलाश, अनन्या प्रेजेंट है, शिवानी कुमारी प्रेजेंट है. अब मुझे बताओ रुद्र, रिया, आशी, मनीषा, राजबहादुर, सोनी, यशोदा. क्या सोनी प्रेजेंट? ओके मैम जिनकी लग गई लीव कर दें. हर्षित,
सूरज, मोहम्मद आरजू, यश प्रेजेंट है, अमन गिरी, ज्योति कुमारी सिंह, ज्योति गर्ग प्रेजेंट, ख्वाहिश, आयुष प्रेजेंट है, गुनगुन प्रेजेंट है, गीतांजलि, कोमल पांडे प्रेजेंट है, समहीरा, परवीन, अब बताना, सुजीता प्रेजेंट मैम, रितु, सलोनी, आकांक्षा, अयाज, विपुल, कार्तिक वर्मा, सचिन, खुशी कुमारी, आई था वही याद था मेरे को, खुशी तो थी, आर्यन, मानवी, फिजा, पीयूष प्रेजेंट मैम, सुहानी, कमाक्षी, नैन्सी, नैन्सी तो प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट मैम, यस मैम, कविता प्रेजेंट मैम, नैन्सी आप कल ही आए थे, यस मैम, मैम मेरी क्लास थी कल, ठीक है, राधिका, अंकिता, श्रेया, अनिया, अंजलि प्रेजेंट मैम, निहारिका, मोहम्मद फरहान आलम, अंकिता, श्रुति, लावण्या प्रेजेंट, अनुष्का मैम, हाँ बच्चा मैम, श्रुतिजा प्रेजेंट, हाँ 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 श्रुतिजा प्रेजेंट, अनुष्का तिवारी, अनुष्का अग्रवाल, प्रार्थना प्रेजेंट है, पिंकी, हाँ पिंकी, कोयल, अंजलि प्रेजेंट है, आदित्य राज कश्यप, अंजलि प्रेजेंट है, हाँ आदित्य राज कश्यप, अंकुश झा, खुशी कुमारी, खुशी मौर्य प्रेजेंट मैम, पूजा कुमारी प्रेजेंट, नंदिता, अंजुम भी आई थी, अंजलि भी आई थी, श्रुति भी आई थी, यश भी आया था, अंजलि राव भी आई थी, प्रतिभा शिवानी, रानी भी आई मैम, हाँ मैम खुशी कुमारी तो है क्या मैम, पूजा दो है इस क्लास में, हाँ हाँ मुझे पता है पूजा दो है, पूजा कुमारी दो है, जिया भी आई थी और अंकुश भी आया था, और कोई है जिसका नाम रह गया है, रशिका, क्या नाम है बच्चा, रशिका, ना अपना नाम बताओ क्या नाम है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है इसे, पीयूष, पीयूष का नाम नहीं था, पीयूष का मैं राइट डाउन कर देती हूँ, ओके, एक पीयूष है और जिसका नाम अगर रह गया ना वो मुझे बता देना, नंदिता का है बच्चा, जिनकी हो गई वो लीव कर दे, हाँ जिनकी हो गई है वो कर दो, राशिका का नाम नहीं है क्या, बाय मैम, बाय मैम, बच्चा बाय, बाय मैम, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राशिका का कैसे नहीं है यार, ये तो रोज आती है, ठीक है कोई ना, अच्छा मैंने आपको ऐड कर दिया है, राशिका मैम, शिवानी की लग गई अटेंडेंस, हाँ शिवानी की, हाँ शिवानी की हो गई, कल नहीं थी मैं, कुछ नहीं कल कुछ नेटवर्क इशू था, ठीक है ठीक है, वैसे हाँ और कोई है जिसका नाम रह गया हो, नहीं है ना, ठीक है बच्चा फिर अपन लीव करते हैं, कल मिलते हैं अपन नेक्स्ट, कल आपका क्लास है, डाउट क्लास लूंगी कल मैं आपका, ठीक है, डाउट नहीं मतलब रिवीजन सेशन जिसे बोल सकते हैं, कल मैं बेसिकली आपको रिवाइज करवाऊंगी जो अपन ने अभी तक पढ़ा है, लाइक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मैं कल अपन उसके थोड़े से क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है।
मैम ओके मैम बाकी अपन देखेंगे क्या करना है ठीक है चलो बच्चा टाइमिंग वो अभी आपसे शेयर हो जाएगा अभी मेरे पास भी नहीं आया शायद या तो आई डोंट नो टाइमिंग मेरे पास अभी नहीं आया है तो आपके साथ शेयर हो जाएगा ग्रुप में लिंक ठीक है चलो बच्चा बाय 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 एवरीवन बाय मैम